कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, और क्या कहना भाई क्या कहना। ओ एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पे नहीं रहना, जो भी देखे यही कहे। क्या कहना भाई क्या कहना, कहना भाई क्या कहना, एक महल ऐसा बनवा दो। श्री राधे हर हर महादेव। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कही, भगवान भोलेनाथ ने लाख समझाया, लेकिन माता पार्वती की समझ में कुछ भी नहीं आया, हट कर गई। भगवान भोलेनाथ कह रहे, गरी गोरा क्या करोगी महलों का, अरे ये तो अमीरों में काम है, और हम ठहरे योगी आदमी, हम तो फकीर हैं, जय हो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। समझा रहे हैं मेरे बाबा, कह रहे क्या, कोठी बंगला महल तो महल, ये तो शौक अमीरी के, ये सुविधा के कारण है, क्या आए काम फकीरी के, आए काम फकीरी के, क्या आए काम फकीरी के। कोठी बंगला महल तो महल, ये तो शौक अमीरी के, ये सुविधा के कारण है, क्या आए काम फकीरी के, आए काम फकीरी के, आए काम फकीरी के। भोलेनाथ कह रहे ये कोठी ये बंगला अमीरों के शौक है, और हम तो ठहरे फकीर आदमी, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैया जिद करने लगी, कोठी बंगला महल दो महल, ये तो शौक अमीरी के, ये सुविधा के कारण है, क्या आए काम फकीरी के, आए काम फकीरी के, क्या आए काम फकीरी के। और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बनवाऊंगा कि तुम भी याद करोगे। और हमारी माताएं बहनों को सबसे ज्यादा मोहब्बत किस चीज से होती है, शास्त्र जी, हमारी माताएं बहनों को मोहब्बत सबसे ज्यादा किस चीज से होती है, पकड़ने वाली बात है। हमारी माताएं बहनों को सबसे ज्यादा चीज होती है गहनों से, सबसे ज्यादा प्यार करती है गहनों से। है? तुम कह दो तो मैं बनवा दो, तुम कह दो तो मैं बनवा दो, तुमको सुंदर सा गहना। भगवान कह रहे हैं अगर तुम कहो तो मैं सुंदर सा गहना बनवाऊंगा तुम्हें, मत पड़ो चक्कर में। और तुम कह दो तो मैं बनवा दूं तुमको सुंदर सा गहना, जो भी देखे यही कहे वही क्या पहना, वही क्या पहना, क्या पहना वही क्या कहना। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। एक महल ऐसा बनवा दो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालना बाबा होए जिसका, रक्षक है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। दिया महामाया ने ये गुलशन भी सूखेगा, रुद्र मेरे स्वामी का एक दिन इस लंका को भूखेगा, इस लंका को भूखेगा।
श्राप देती हूँ कि मेरे स्वामी का रुद्र अवतार एक दिन तेरी सोने की लंका को जला कर रखे। दो बालाजी महाराज की सभी जानते हैं, जब रावण माता जानकी का हरण करके ले गया तो मेरे बाबा ने सोने की लंका को जलाकर शाप दे दिया महामाया ने, ये गुलशन भी सूखेगा। रुक मेरे स्वामी का एक दिन इस लंका को फूकेगा, इस लंका को फूकेगा, इस लंका को फूकेगा। सप्त वचन नारी के निकले, सप्त वचन नारी के निकले। अब तो मेरा है कहना, जो देखे यही कहे हुए, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। आप सभी अपने बुखार बिंदु से मैंने भोले बाबा के मंत्र का जाप करेंगे। जिसको जिप्या दी है मेरे बाबा ने, जिसको जिप्या दी है मेरे बाबा ने, जिसको बुद्धि दी है मेरी शार जमा ने, सभी बोलेंगे अपने बुखार बिंदु से। सुबह सुबह की मेला है और इस मेला में पशु पक्षी भी ऊपर वाले का नाम लिया करते हैं। ऐसे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा जाया, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, तेरी पूजा करूं मैं तो हर दम, यह अपने कर्म कभी खुशी कभी गम, जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम। अगर भजन समझ में आया हो तो ताली बजाएंगे उसके लिए जिसने लिखा है।